हरे कृष्णा जी सारे नूं पहले दे भगवान श्री हरि का प्राचीन स्थल जिस दे अंदर अनंत काल तो श्री ठाकुर जी महाराज भगवान का विग्रह विष्णु भगवान का विग्रह विद्यमान है और बाबा शंभू जी तो पहले बाबा जयराम जी बाबा प्रीतम दास जी बाबा मंगत राम दास जी बाबा सुंदर दास जी बाबा प्रताप दास जी और बाबा जयराम दास जी जो महंत रहे हैं इस स्थान दे और उस तो बाद साडे पिता जी बाबा बूटा राम जी और बाबा वंशिश होने के नाते मैं यही गल कहना कि पहलो अपने बजुर्गों नूं याद करना चाहिए है और ये जन्माष्टमी का त्यौहार सानू उन्हां दी उंगली पकड़ के असी चलना सीखे सा 1994 की वो दर्दनाक गल मैं अज बयान करना चाहुंना जिथों बाबा शंभू जी का किरदार असी लोगों के सामने भी ले आ रहे हैं कि वो किसानी किते दे नाल जुड़े जुड़े महात्मा और भगवान के अनन्य सेवक सन 1994 दे विच जद प्यारा लाल जी नूं असी करन गए भी तुसी यही संगीत जिहड़ी सभा है संकीर्तन वाली इस दे विच तुसी शिरकत करनी है गाना है ते वो सादगी भरिया उन्हां दा जीवन सीगा सादगी वाली रूह सीगे आंदे ने तुसी जाके प्यारा लाल जी नूं करके आओ तो भगवान का संकीर्तन जिहड़ा वो मंदिर हो सके यही जन्माष्टमी का त्यौहार आप इस तरह जिस तरह आप अज सेवा निभा रहे हैं इस तरह वो सेवा निभाया करते सन उस टाइम दे विच आप वो चले गए बालणी तादी की सेवा वास्ते तो वो दर्दनाक गल साडे नाल घटना वापरी जो उन्होंने इदां दीआं चोटां लगियां कि 1994 की जन्माष्टमी तो बाद वो किसी भी जन्माष्टमी के विच हाजिर नहीं हो सके पूरी जन्माष्टमी की रात भगवान की कथा कीर्तन होया अगले दिन गुग्गा नौमी वाले दिन वो इस संसार यात्रा नूं भोगते हुए अकाल चलाना कर गए असी उस महात्मा उस प्यारी रूह के थापे हुए हाँ और उन्हां दे कदमां दे उत्ते चल रहे हाँ और सारा नगर सारा नडाला और सारे नडाले दे लोग सानू महाराज जी दे इस पावन पवित्र स्थान दे उत्ते आन के इस प्रोग्राम दे विच हाजरी लवा के जिहड़ा हैगा योगदान भी कर रहे ने और भगवान दे स्वरूप दा जो आनंद लै रहे ने और श्री हरि भगवान दे भजन कीर्तन नूं सुन रहे ने आदि काल तो यह नहीं कहा जा सकता कि देखो जे आपां गल करिए अपने खखर परिवार की तो इस दे बजुर्ग जिन्हां जिन्हां कोलों असीं बाबा जी दे बारे सुनिया कि वह दरिया नंघ जाया करते सन ये महान तपस्वी संतां दा स्थान है सो आदि रूप दे विच महाराज जी विराजमान हैं श्री नारायण भगवान आदि अनंत रूप दे विच विराजमान हैं सो यही संतां नूं हरे कृष्णा भगवान श्री नारायण साहब के उपर अज के प्रोग्राम सवेरे भगवान जी का इनान हो भगवान श्री शालीग्राम जी का अभिषेक होया इनान होया उस तो उपरंत आरती पूजन होया हुण जो है रात्रि 8 बजे तो लैके रात 8 बजे तो लैके 12 बजे तक भगवान श्री हरिनारायण जी का जो भजन गुणगान होएगा और उस तो उपरंत आरती होवेगी और संगतों नूं भगवान दे नाम दे नाल रस भगवान दे नाम नाल जोड़िया जाएगा ये वीरजी साडे परदादा जी दे बाप दादे और साडे बाबा शंभू जी और साडे बाबा जयराम जी और साडे बाबा सुंदर दास जी और उस तो बाद च साडे बाबा प्रताप दास जी हुण साडे पिता जी मैं नहीं मना रहा मैं पिता जी दे ही सारे हाँ साडे हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये वंश प्रथा है जब तक मेरा मेरे अंदर श्वास है जब मेरी एक एक साह चल रहा है उस टाइम तक भगवान का ये उत्सव मनाया जाएगा और ये प्राचीन स्थल अगों जो भी मर्जी तुसीं देखिया होएगा आने वाले समय के देखो जिनी क मेरी हैसियत है मैं अपनी नेक कमाई के भगवान के स्थान पर भी लगा रहा हाँ और ये समागम भगवान आप करा रहे हैं ठीक है जी और आने वाले समय के स्थल के नाल कोई छेड़छाड़ नहीं होएगी उपरों बाउंड्री भी तैयार होएगी मंदिर की जी और आने वाले समय के भगवान का स्थल होर ये तो भी डेकोरेट होएगा पर इन्ना कोई छेड़छाड़ नहीं होगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी देखो मेरे वंश परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी की सेवा जी मैं मिली हुई है
वंश परंपरा के मुताबिक देखो कोई बजुर्ग ज माता पिता अपने बच्चे वधदा देखता है ना, जिदा आप एक बूटा लाने वो बूटे नूं पानी पूने उस तरीके दे नाल जो मैनू इन्नी खुशी है इन्ना उत्साह है कि है कि जो संगत भी नाल मिल जुल के भगवान श्री हरि का ये समागम जो जन्माष्टमी का भगवान नारायण के प्रगट उत्सव का जो समागम है उस दे विच बैठ के भी जड़ा है कथा कीर्तन स्मरण करके जड़ा अपना योगदान दे रही है। असी उन्हां दे बहुत धन्नवादी हाँ, पूरे पिंड दे धन्नवादी हाँ, हर एक बरादरी दे धन्नवादी हाँ, जिहड़े जिहड़े हरप्रीत सिंह जी राही इस स्पीच नूं जां इस बाइट नूं सुन रहे ने। बोले विष्णु भगवान की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय।